वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है मैं बोलने वाला हूँ, यह है कि जो भी आपके बीच में जो भी रेलवे का एनटीपीसी जो एग्ज़ाम हुआ था, जो भी जिन्होंने भी CBT1 जो भी अप्लाई किए थे उन्हीं के रिलेटेड में जो कि आज आंसर की आने वाला था, अभी तक भी नहीं आया है वेबसाइट में। इसका मतलब यही है, जबकि मैं मतलब एकदम अच्छे तरीके से उसको देखा, ऑब्जर्वेशन किया, तो मेरे को पता चला जो आज रात 8 बजे से बाद, 8 जैसे ही बजेगा 8 PM, उसके बाद ही आप ओपन कर सकते हो किसी भी रेलवे की वेबसाइट। उस मत जो जो भी आपके जो भी रेलवे जोन में आप अप्लाई किए थे, एग्ज़ाम दिए थे, उन्हीं जोन में आप डायरेक्ट जाके आप आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड या फिर रोल नंबर उसको डालकर, डेट ऑफ बर्थ उसको डालकर आप देख सकते हो आपका आंसर की। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हो आपको कैसे चेक करना है, RRB भुवनेश्वर यहाँ पर लिखना है। पहले तो जैसे कि भुवनेश्वर का एक बोर्ड में यहाँ पर मतलब फॉर एग्जाम्पल दे मतलब बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या होगा कि आप कुछ भी मतलब क्रोम में आप खुद ही ऐसे चेक कर सकते हो। मान के चलो कलकत्ता में लिखना है तो RRB कोलकाता लिख सकते हो, या फिर RRB सिकंदराबाद लिख सकते हो, या फिर कहीं भी मतलब RRB चंडीगढ़ लिख सकते हो, या फिर RRB अहमदाबाद, ऐसे कुछ यहाँ पर आपके ब्राउजर में। यहाँ पर मेरा क्रोम खुला हुआ है, मतलब ओपन किया हूँ। उसके बाद भी आप कुछ भी वेबसाइट मतलब जो भी आपके पास ब्राउजर है, या फिर UC ब्राउजर है या फिर क्रोम है, वहाँ पर जाके ऐसे RRB आपका जो भी है, यहाँ पर जैसे भुवनेश्वर लिखा हूँ आप दे सकते हो कोई भी जोन में, RRB कोलकाता जैसे सिकंदराबाद या फिर अजमेर या फिर चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, कुछ भी RRB मालदा कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हो। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर जैसे मैं मतलब जैसे ही मैं तुरंत टाइप किया, पहले आपको दे दिया है यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर। यहाँ पर थोड़ा नीचे जाना है आपको, इसका डिटेल आया है, छोड़ो ये तो छोड़ो। उसके बाद फिर क्या करना है, ठीक उसका लोकेशन डिटेल, ये लैंडलाइन नंबर जो हानि की कुछ काम का नहीं होता है कहीं ना कहीं। उसके बाद आप क्या करना है, आपको डायरेक्ट जैसे ही ऐसे दिखेगा वो वेबसाइट में जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर RRB भुवनेश्वर क्लिक किया, बस थोड़े हम वेट करते हैं। देखो ये आ गया कि नहीं। हाँ, यहाँ पर न्यूज एंड अपडेट, और थोड़ा स्क्रोल डाउन करके नीचे जाना है। यहाँ पर देखो लिखा है जो बॉक्स, पहला बॉक्स में 13 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया था आपका, जो भी है आपको कैसे देखना है। यहाँ पर जो न्यू लिखा है सेकंड ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन आपको छोड़ देना है, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर जस्ट डायरेक्ट क्लिक करना है। जैसे कि क्लिक करना है, ये देखो ये पेज में क्या लिख रहा है, पेज में मतलब पेज में जैसे कि मैं पहले से बोल चुका हूँ उसी बारे में लिख रहा है, द लॉगिन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन आज से मतलब 16 अगस्त 2021 रात कोडे आवर्स मीन्स 8 PM से लेकर 23 अगस्त तक, मतलब आज 16 और 7 दिन के लिए आपको वैलिड रहेगा ये देखने के लिए। उसके बाद आप नहीं देख सकते हो, मतलब देखो देखने से बेनिफिट क्या है, आपका कितना मार्क रहा है वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, रॉ मार्क आप देख सकते हो, बाद में वो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। उसके बाद क्या कर सकते हो, इसके साथ ही साथ आपका कुछ भी आंसर की आपको मैं मतलब आप अच्छे से उसको सॉल्व किए हो, आप अच्छे से कहीं ना कहीं देखे हो आपके बुक्स में या फिर इंटरनेट में जो आपका आंसर है आप टिक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपका गलत करार दिया गया है, तो उसके अगेंस्ट आप रेज मतलब ऑब्जेक्शन कीज भी रेज कर सकते हो। समझ पा रहे हो नहीं, ऑब्जेक्शन भी आप वहाँ पर दे सकते हो, पर ऑब्जेक्शन कुछ रुपीज रहता है शायद, वही एक क्वेश्चन ये आंसर होना चाहिए आपका रेलवे तरफ से गलत हुआ है तो मेरे को प्लस मार्क मिलना चाहिए, तो आपको बोनस मार्क मिल जाएगा। तो यही याद रखना, 16 अगस्त आज रात 8 से लेकर ये 23 आवर 55 मिनट्स मीन्स 11:55 तक 23 तारीख तक, मतलब आज से लेकर 16 अगस्त रात 8 बजे से लेकर आप दे सकते हो 23 अगस्त तक रात 12 बजे से ठीक 5 मिनट पहले तक, मतलब 11:55 तक देख सकते हो, मतलब आज रात 8 PM से लेकर 23 तारीख ठीक रात 11:55 तक दे सकते हो, 11:56 भी नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो, और ये सब भी आपको करना जरूरत नहीं है, कोई भी RRB आपको जाना जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी RRB से आप अप्लाई किए थे, मतलब कोई भी RRB जोन से आप NTPC का एग्जाम CBT1 दिए थे, वहां पर जस्ट उस फॉर्म को ठीक जैसे रात 8 बज जाएगा आपको क्लिक करना है, जो भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वो ऐसा फॉर्म है, इकलौता फॉर्म है जो हर कोई भी RR के लिए वही वहां पर आप फिल
कर सकते हो, समझ पा रहे हो? नहीं, लेकिन क्या मैं वही बोल रहा हूँ, वो लिंक आपको ये सब नहीं करना। यहाँ पर जैसे मैं आरआरबी भुवनेश्वर का एग्जाम्पल दिया, ये नहीं कि आपको क्रोम में जाकर सर्च करना है, वो हैंग होगा, कुछ भी नहीं। इस वीडियो को आना है और आपको अभी तो देख रहे हो, फिर ठीक 8 बजे के बाद आपको याद नहीं रहता है, तो इस वीडियो में आकर जस्ट ओपन करके डिस्क्रिप्शन में चले जाना है आपको। वहाँ पर आपको आप देखोगे एक लिंक आएगा, वहां पर डायरेक्ट क्लिक करके आपका जो डाटा है, मतलब नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आप सब भर के सीबीटी कौन सा डेट में दिए थे, ये सब भर के आप दे सकते हो। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था। थैंक यू ऑल, थैंक्स टू ऑल, मस्ट शेयर, बिकॉज लिंक एक ही है। लेकिन आप गुमराह होकर आप आरआरबी कोई भी बोर्ड में अप्लाई किए तो क्रोम मतलब ब्राउज में ओपन करोगे, वो उसमें क्या होगा, आपको दिक्कत बढ़ सकता है, कहाँ जाएं फिर, क्या करें फिर दोबारा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सेकंड ऑप्शन ने दिखा दिया आरआरबी भुवनेश्वर, लेकिन बहुत सारे आरआरबी में मतलब इंटरफेस समझ सकते हो, नहीं उसका इंटरफेस में भी और कहीं से भी मतलब ऑप्शन होगा आंसर की के, तो अब द्वंद में पढ़ सकते हो। इसलिए आपको एक ही काम करना है, इस मतलब वीडियो और एक बार देख के डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन जाकर, वही एक ही लिंक है, वो एक फॉर्म है जहां पर देख के आप डिटेल भर के आपका मतलब देख सकते हो कितना मैं सही क्या हूँ कितना गलत। एंड यदि कोई एकदम सही क्या हो लेकिन वहां पर आरआरबी की तरफ से गलत कर दिया गया है, उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट की भी ऑब्जेक्शन कर सकते हो, समझ पा रहे हो? थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, मस्ट सर, थैंक्स।